कैसी गुटवा ने बैठ रही होगी का घुटनी हुई है। हाँ चलो बैठो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। देख लो भाई, दिन के 12 बज गया है और हम 12 बजे शूट कर रहे हैं ब्लॉग। देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है दोस्तों, आप लोग देख लो, धूप मेरी चांद पे पड़ रही है सीधी डायरेक्ट। और इधर देख लो भाई, दिव्यांशी की मम्मी भी बैठी हैं। हाय हाय हाय, हाँ हाँ, तो ऐसे बोलो हाय गाइज। देख लो दोस्तों कैसे कर रहे हैं, ऐसे बोलो गुड आफ्टरनून। अरे बोलो तो, अरे बोलो, क्यों बोलने में शर्म आ रही है क्या? अच्छा एक बार बोल दो गुड आफ्टरनून। देख लो दोस्तों कैसे कर रही है भाई, इन्हें बहुत शर्म आती है। और इधर अरिजीत भी बैठे हुए हैं, चलो हाय करो। और दोस्तों हमारी दिव्यांशी भी आ गई है स्कूल से, आप लोग देख सकते हो इधर बैठी हुई है, इधर आओ। चलो पहले हाय करो, और कुछ कहना चाहती हो? हाँ, क्या चीज दिखाओगी? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखो भाई ये कुछ चीज दिखाने वाली है दोस्तों, देख सकते हो ये क्या है? मैम ने ये रंगने को बोला था। अच्छा ये तो व्रत बना दिया तुमने। अच्छा वाह वाह वाह, किसने रंगा ये? हमने। तुमको गुड मिलेगा गुड। हाँ टकला में लो पुच्ची, लो टकला में लो। हाँ हम तुम्हारे टकला रोज पुच्ची लेते हैं। हाँ दोस्तों भाई दिव्यांशी बहुत खुश है, अपनी पढ़ाई कर रही है। ले उधर करो जाके पढ़ाई जाओ। और चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। भाई दिव्यांशी की मम्मी कुछ कह रही हैं। हाँ क्या कह रही हो महारानी? मेहंदी मेहंदी लगी तेरे हाथों में। अब क्या बार बार मेहंदी लगाओगी? मेहंदी तो लग चुकी 4 साल पहले। अच्छा अभी पाए में लगाएंगे दोस्तों, 4 साल पहले हाथों में मेहंदी लग चुकी है इनकी शादी में। अभी पाए की बारी है, तरबम तरबम। ठीक है भाई अब हम मंगा रहे मेहंदी। ठीक है दोस्तों भाई चलते हैं, हम मेहंदी लेने जा रहे हैं। देख लो अरिजीत भी मेरे साथ जा रहे हैं। देख लो दोस्तों भाई दिव्यांशी भी चिल्ला रही है, कह रही है मैं भी चलूंगी मेहंदी तोड़ने। तुम भी चलोगी? हाँ। तुम मत चलो, धूप है धूप है धूप। तुम क्या करोगी जाके? चलते हैं भाई। देख लो मेहंदी का पेड़ वहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो सामने। ये जो स्कूल है इसके पीछे देखो, जो लट्ठा आपको दिख रहा है जो बिजली का, हम उंगली दिखा रहे हैं इधर। देखो दोस्तों वहाँ पे मेहंदी का पेड़ खड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं भाई, तोड़ के लाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? पन्नी तो ले आओ, एक नीचे दे दिया, चले चलो। तो ठीक है नीचे दे दिया, चले चलो। अरिजीत आप पन्नी ले लियो नीचे, ठीक है? हाँ चप्पल अप्पल पहन लो। दोस्तों देख लो भाई दिव्यांशी आगे आगे जा रही है भाग के, और अरिजीत भी जा रहे हैं देख सकते हो। और चलिए भाई थोड़ी दूर है यहाँ से मेहंदी का पेड़, और चलते हैं वहाँ पे, चल के आपको दिखाते हैं। इधर देख लो दोस्तों दिव्यांशी वो पहुँच गई हैं, और वहीं पे मुझे चलना है। देख लो दोस्तों ये हमारी भैंस बंधी हुई है, ये हमारा पड्डा है छोटा सा। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई हम मेहंदी के पेड़ के पास आ गए हैं। देख लो यहाँ पे सामने मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है, इधर देख लो ये हमारी भैंस भी बंधी हुई है, और ये हमारी भैंस का बच्चा बंधा हुआ है छोटा सा देख लो। और इधर देख लो चारों तरफ देख लो, इधर पीछे खेत हैं, इधर देख सकते हो दोस्तों। और ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से लगभग 500 मीटर दूरी पे ये पेड़ खड़ा हुआ है मेहंदी का, ये जो खड़ा है दोस्तों। चलिए भाई मेहंदी तोड़ लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। देख लो अरिजीत तैयार खड़े हैं, पन्नी लाए? ठीक है तोड़ ले फिर का। देख लो दोस्तों ये तोड़ने जा रहे हैं। दिव्यांशी तुम ही खड़ी रहा, तुम मत जाओ उधर। ये मेहंदी का पेड़ इतना बड़ा देख सकते हो, इसमें कितनी सारी पत्ती लगी हुई है, पत्ती पत्ती तुरियो ठीक है। हाँ दिव्यांशी तुम यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो वो पत्ती के ऊपर। हाँ तो उधर जाओ, उधर करके आओ जाके रोड पे, रोड के उस पार चली जाओ, जा जल्दी अभी गाड़ी नहीं आ रही है, निकल जाओ। हाँ ले पन्नी, तुम छोटी ला यार। का बात है, हेलीकॉप्टर जा रहा हो का भू भू कर रहा हो? जा ऊपर वाली डंगी लचा ले ना, जे लचाए गए आपने कहा खींचो। हाँ ऐसे ऐसे ये खींच के अब जो सब पत्ता सूत ले जितते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? प्यास लग रही है, जा पिया जाके जा।
दूर से जा, दूर से निकल के। दोस्तों देख लो भाई, दिव्यांशी को प्यास लगी है, ये तो जा रही है भाई घर पे पानी पीने के लिए। जा जल्दी से, अभी आओगी? ठीक है जल्दी आना, ठीक है। देख लो दोस्तों, ये तो चली गई है भाई। दोस्तों देख लो भाई, हमारी पन्नी भर चुकी है। चलिए इसको और भर लेते हैं दाब दाब के। हाँ ठीक है, आ जाओ। सो दोस्तों भाई, हमने अपनी मेहंदी एंदी तो खोट ली है, देख लो इतनी सारी हो गई है। देख सकते हो अरजीत के हाथ में, देखो पूरी पन्नी भर गई है दोस्तों, देख लो भरी पूरी। अब तो हमें जगह ना रही है। और चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं घर पे, फिर आपको दिखाते हैं। अरजीत भी निकल चुके हैं, देख लो ये जा रहे हैं घर पे और हम भी जा रहे हैं। चलो, और दिव्यांशी हमारी देखो वहाँ पहुँच गई है, बाग के रोड पे पहले से ही। आराम से गिर मत जाइयो। चलिए दोस्तों भाई, हम घर पे पहुंचने वाले हैं और पहुंच के आपको दिखाते हैं घर पे। सो दोस्तों देख लो भाई, हम घर पे आ गए हैं और इधर दोस्तों देख लो दिव्यांशी की मम्मी खड़ी हैं। चलिए इनको मेहंदी दे दो भाई अरजीत, और जा जल्दी भाई मेहंदी बट लो जल्दी से, और लगा लो, चाहे पैन में लगावो चाहे अपने बालन में लगावो, मेहंदी बहुत सी है कुल। और दोस्तों देख लो भाई, अभी मेहंदी लेके आए तोड़ के, इन्होंने देख लो ये जमीन पे फैला दिए, देख सकते हो दोस्तों। ये देखो इकट्ठा कर रही हैं, ये कैसे फैली? जाने फैलाई। बाबू किसने फैलाई? मम्मी ने। ले वो तो कह रही मम्मी ने फैलाई है। मम्मी ने फैलाई। दोस्तों देख लो भाई, अब यही नहीं समझ में आ रहा इनने फैलाई किन्ने फैलाई, किसने फैलाई बाबू? अच्छा दोनों में से इनने फैलाई है। ये आपको दिखाते हैं भाई, देख लो हमारे अरजीत भी थोड़ी सी मेहंदी वहाँ पे बट रहे हैं, देख लो ये बटना लेके चिपटे हैं। मुझे लग रहा है कि अरजीत भी लगाएंगे अपने हाथ में, देख लो कैसे चिपटे हुए हैं। हाँ ठीक है, तुम भी लगा लेना। हाँ ज़्यादा मत लगाना, हाथ में खाली टप्पा रख लेना गोल गोल, ठीक है। और दोस्तों हम लोग जो ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है इसकी आप लोग राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जरूर जरूर, ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देख लो दोस्तों हमारी भाई बटाई चल रही है मेहंदी की। इन्हें दे दिव्यांशी मम्मी, जे पहले बटे सही करके, तुम बटो कर रहे करके। क्या कह रहे हैं मसाला तो खूब घिट लेते हैं अभी बटना लेके है, अजब का है। थोड़ी देर समझ लो मसाला बट रहे हम, रपके है कैसे रपका था है। अच्छा ऐसे बटो, ऐसे कर रहे कर रहे कर रहे, उठा लाओ वो चकिया पार्ट रखो टूटो, वो उठा दे देना बाप बटिया है। ये रखो, ये रखो रखो, पट करो पट करो, ले जाए बटो, जा पाए दांतों आए देखो जे फूल बने। हाँ एक बात बता, ये तुम्हारा जूड़ा लगा है ये बहुत अच्छा लग रहा है आज, देखो कितना सुंदर लग रहा है बाबू, अच्छा है। हाँ देख लो, पकड़ के देखना बाबू इनका जूड़ा पकड़ के देखना। हाँ छोड़ दे छोड़ दे। ऐसे बटाओ तो तो हमसे तो हिल हमने बट दिया इतनी सारी, अब दिव्यांशी की मम्मी बटेंगी। और दिव्यांशी तुम थोड़ा दूर बैठो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ठीक है हो जाएंगे। और अरजीत तब तक ये मेहंदी बट रही, तब तक तुम ठंडा पानी लेके आओ, एकदम चिल्ड, प्यास बहुत तेज लग रही है। हाँ उनको प्यास लगी है, तो तुम भी पानी पी लेना, अभी अरजीत लेने गए हैं, ठीक है। देख लो दोस्तों ये भाई इन्होंने बट दिए, एकदम लपसी बन गई है, देख सकते हो जैसे मसाला नहीं लपसी बन जाता है वैसे ही बन गई है, देख लो भाई। अरजीत आ चुके हैं, देख लो पानी लेके ले आए। हाँ ठीक है, अभी मैं पी लूँ फिर पिला देंगे तुम्हें, ठीक है। ले एक घूंट बचो जब तुम पी लो। इधर देख लो दोस्तों इतनी सारी पीस लिया इन्होंने, देख लो ये कटोरी में रखी हुई है, और ये देख लो ये दोबारा राउंड में पीस रही हैं इतने सारे पत्ते, देख लो लगभग इन्हें 5 मिनट लगेंगे इसको पीसने में। हाँ हाँ तो लगा लेना ना, अभी पिस जाएगी सारी तब लगा लेना, ठीक है। वो वाली नहीं, अभी वो और पीसी जाएगी। हाँ ठीक है। और दोस्तों डेली की तरह मौसम बिगड़ने लगा है, देख लो एकदम बादल बादल हो गया है, आप लोग देख सकते हो कितना मस्त आ रहा है, देख लो एकदम पेड़ हरे भरे, जो दिल को सुकून मिलता है दोस्तों ये देख के, ये तो अलग लेवल की बात है। आप लोग बताइएगा दोस्तों कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है, देख सकते हो दोस्तों। क्या कह रहे हैं दोस्तों, देख लो दिव्यांशी क्या कह रही हैं, क्या कह रही हो? मेरा काम करवा दो। काम करवा दें? अच्छा तो जा अपना बस्ता उठा के ला, तुम्हारा काम करवा दें,
जाओ। दोस्तों देख लो भाई, इनका होमवर्क भी करवाना है, ये जा रहे हैं अपना बैग लेने के लिए। आ दिखाओ कॉपी, क्या क्या है? ये काम है। अच्छा ये है, आ से अनार, बड़े आ से आम। दोस्तों देख लो भाई, ये छोटे या बड़े आ है इनके होमवर्क में कर नहीं पाती है तुम नहीं। अरे ये तो बहुत आसान है करना है। चलो ठीक है, जाओ पेंसिल लेके आ, अभी हम सिखा रहे हैं कैसे करे जाए काम। ठीक है जाओ जल्दी से। मेहंदी बट ना पाई, जब मेहंदी का जो बीरबल की खिचड़ी हुई है पकी ना रही, क्यों कैसे पिसे है? दोस्तों देख लो कितना टाइम लग रहा है इन्हें, पहले इधर देखे रहना। ठीक है देखो, पहले ऐसे करके ऐसे बनाना है तुमको, ऐसे ऐसे डंडा खींचना है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है? तो फिर ये कैसे खींचना है, ऐसे ऐसे बन गया। पकड़ो पकड़ो, ये बन रहा है नहीं बन रहा? अब सीख गई? सीख अभी नहीं गई, क्योंकि इन्हें अभी लिखना नहीं आता है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको स्कूल जाते हुए। लगभग ऐसा हो गया है, एक महीना हो गया है, और एक महीने में भाई ये बहुत अच्छी कहानी भी इन्होंने याद कर ली है, पोइम भी याद कर ली है। दिव्यांशी कौन सी पोइम याद की है तुमने? सर जी नमस्ते। वाह वाह वाह, देख लो दोस्तों दिव्यांशी ने भाई पूरी पोइम सुना दी है, याद होगी तुमको पक्का। हाँ भूख लगी है, ठीक है तो क्या खाओगी? आज मैं खाऊंगी बेसन के पकोड़े। बेसन के पकोड़े खाएंगे दोस्तों, कल तो खाए थे, आज भी खाने का मन कर रहा है। कल कल खाए थे नहीं खाए थे? दोस्तों पिछली वीडियो देखना जाके, कल इन्होंने बेसन के पकोड़े खाए थे। खाए थे? खाए थे। आज तो आलू खा लेना, ठीक है? मेहंदी तो बट ली है। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, कैसे दोनों हाथ डाल रहे, खड़बड़ खड़बड़ कर रही होगी। जी जा अपनी कॉपी उठाओ, रखो रखो जल्दी, आंधी आ गई, हवा चलने लगी बहुत तेजी में। दोस्तों देख सकते हो भाई, मुझे लग रहा है कि आंधी ना आ जाए, हवा बहुत तेज चलने लगी है। और दोस्तों भाई बारिश होने लगी है, हल्की हल्की बूंदे भी आ गई हैं, आप लोग देख सकते हो इधर बूंदे पड़ी हैं, ध्यान से देखो छोटी छोटी। और दिव्यांशी की मम्मी भाई इधर मेहंदी लगाने लगी हैं, देख सकते हो पैरों में लगा रही हैं अभी, ये देख लो ये लगा रही हैं। दोस्तों देख लो जल्दी जल्दी लगाओ, पानी आई हो हाँ, तो जल्दी जल्दी थोप ले, तुमका कोई डिजाइन बना रहे हैं। दिव्यांशी तुम बाद में लगा लेना, तुम लगाओ जल्दी यार, पानी आई हो, देख रहे हैं जो कपड़ा इतने सारे पड़े थे पीछे, ये सब उठाने अब। हाँ थोड़ी उतार दें इसका। अच्छा ठीक है, धल्य कोई मत ही दिया, तुम्हारी मम्मी की निशानी है जा। हाँ गिफ्ट है, गिफ्ट अच्छा, क्या खुशी में गिफ्ट दो, खुशी में अच्छा ऐसे ही दो। अच्छा तो दोस्तों भाई दिव्यांशी की मम्मी ने मेहंदी वेंदी तो लगा ली है, उधर देख लो खड़ी हो गई आके। अब ये बताओ आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? आगे का आलू फालू बनाएं। अच्छा आलू और फालू, एक आलू बनाएंगे दोस्तों, दूसरा फालू बनाएंगी है। देख लो भाई, ठीक है भाई बनाओ अपने आलू और फालू, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, थोड़ा जल्दी बनाओ। हाँ ठीक है बनाओ। सो दोस्तों भाई दिव्यांशी की मम्मी तो खाना पीना बनाने जा रही हैं। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना, ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छा सा ब्लॉग लेके, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय बाय।